जैसे हमने बात की, सिद्धार्थ अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करता है, बेंगलोर का क्राउड बहुत अच्छी क्रिकेट चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेली जाती है, इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ बहुत होती है, आईपीएल बहुत होती है, तो क्रिकेट सेंस बहुत है यहाँ के लोगों को। 64 सिक्स ओवर्स में रन रेट ऑफ 10, ऐसे इस गति पर चलते रहे तो 200 लगता है उनका लक्ष्य होगा, शायद उससे भी ज्यादा। जी हाँ, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगा, एक अच्छा स्टार्ट मिल गया, 6 ओवर 60 रन अगर आपको दिए जाए आप किसी भी दिन लेंगे। देखा जाए कल मुंबई की टीम में 222 बनाया था एंड गेव इट अ वेरी फ्लैम्बॉयंट स्टार्ट टू द सीसीएल। हाई स्कोरिंग गेम्स ऑब्वियसली द क्राउड एंजॉयज अ लॉट एज वेल। अच्छी गेंद खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, 2 रन लेना चाहते हैं। जी हाँ, आसानी से ले भी लेंगे। रनिंग बिटवीन विकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है 2020 क्रिकेट का। हम बात करते हैं चौके छक्के के, बैंग बैंग क्रिकेट की, लेकिन अगर आप अच्छा भाग सकते हैं तो आप बड़ा टोटल खड़ा कर सकते हैं। और ये पार्ले क्राउड सीटियां मारता हुआ पूरा आनंद लेता हुआ, जिसे क्राउड को देखा जाए तो इनके हाथों में प्रॉप्स है, थोड़े लोग पॉम्पॉम्स लेके आए हैं, हॉर्न्स लेके आए हैं, विसल्स लेके आए हैं, तो दिस इज ऑल्सो एन इनोवेटिव वे ऑफ चीयरिंग फॉर योर हीरोज। बहुत अच्छे तरीके से खेला, 2 रन लेना चाहते हैं एक बार और, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, और यहाँ पे इंटेंट दिख रही है, पहला रन जोर से भाग रहे हैं। हम अमूमन देखते हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट्स करती है, तो यहाँ दिख रहा है बहुत प्लानिंग से उतरी है कर्नाटका बुलडोजर। हमारे बॉलर विष्णु के बारे में हम आपको बता दें, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी इन अ स्पोर्ट्स फिल्म, एंड ये क्रिकेट खेलते हैं फॉर द तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन एज वेल। और मैं बता दूं, ये एक्चुअली क्रिकेटर बनना चाहते थे बट बिकॉज ऑफ लेग इंजरी ही हैड टू गिव अप द गेम अनफॉर्चुनेटली। कितने ऐसे करियर हैं जो इंजरी से खराब हुए हैं, तो ये तो कहा जाता है जब तक किस्मत आपका साथ ना दे तो आप बड़े खिलाड़ी या बड़े सितारे नहीं बन सकते। लेकिन अच्छा ओवर विष्णु का यहाँ पर, अगर हम पिछले ओवर की बात करते हैं भारत की, तब लग रहा था शायद चेन्नई राइनोज जूझेगी, मुश्किल में आ जाएगी, लेकिन अब गेम में वापस लाते हुए विष्णु यहां पर। Look at the smiles in the audience. ये विग वाला जो चीज है, I think it's bring so much color to the spectators as well. Wow! Well, ब्रेक के बाद हमारे यहां पर भी एक छोटा सा ब्रेक हुआ है। रिकी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अजय मेहरा, वेलकम बैक अजय। शुक्रिया सिद्धार्थ। और जी हां, क्या मैच चलता हुआ, क्या जबरदस्त माहौल है, क्या वातावरण है, सुदीप काफी खुश नजर आते हैं, और क्यों नहीं, कर्नाटका बुलडोजर्स के जो कप्तान है और एक बहुत बड़ा यहाँ पे नाम है, शख्सियत है, पर मैं जानता हूं कि यहाँ पे लॉयलिस्ट कर्नाटका बुलडोजर के हैं अजय मेहरा, मेरे कमेंटेटर ब्लू पहनकर आए हुए हैं, ये तो आप साफ साफ दिखा रहे हैं कि यू आर सपोर्टिंग कर्नाटका बुलडोजर, वेयर इज द एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ न्यूट्रल कमेंटेटर गॉन। देखिए ये अब प्रश्न है जो मेरे दिल में है और मेरे दिमाग में है, जो बाहर नहीं आएगा, और आप जितना मर्जी प्रयास कर लीजिए सिद्धार्थ, ये बाहर नहीं आने वाला। अब क्या कारण है ये मुझे पता है हकीकत। जी हाँ, कर्नाटका बुलडोजर के चीयरिंग टीम से आए हैं अजय मेहरा ब्लू पहनते हुए। अच्छा, आपकी जो पैंट है आज वो मेहरून कलर की है, तो ये कौन सी ऐसी टीम है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए मैं जो हूँ, मैं दल बदलू हूँ जैसे मिस पटेल, वैसे मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि आप एक्ट्रेसेस के बारे में इतना जानते हैं, ये महिला जो ये एक्ट्रेस आई थी उनका नाम क्या है? सुना कि आप सारा अपने डायरी में नोट करके बैठते हैं। सिद्धार्थ आपसे काफी कुछ सीखा है, काफी कुछ ज्ञान ले रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे बढ़िया शॉट एक बार फिर, पर फील्डिंग डीप में। आपसे जो ज्ञान मिल रहा है वो मुझे लगता है इसका कोई मोल नहीं है। ये लीजिए एक और बहन अजय मेहरा की। मैं जानता हूं कि जब भी आप एक्ट्रेसेस से मिलते हैं आप उनको बहना कह के बुलाते हैं, दैट इज व्हाट आई रियली अप्रिशिएट अबाउट यू। देखिए शादी के बाद ऐसे ही करना चाहिए आपको, आपको भी सीख लेनी चाहिए मुझसे। ऑलराइट, a nick, well you can be a super fan by calling 5333599, 1 lakh rupees aap cash jeet sakte hain, we've got so many contests happening in the CCL, please call that number now।
मुझे लगता है बहुत जरूरी है चेन्नई राइनोज के लिए यहाँ पे सिद्धार्थ की अब विकेट लें, क्योंकि ये जो बैटिंग लाइनअप है इसमें वो गहराई नजर आती है। और एक और यहाँ पे जो बहुत बेहतरीन जो मशीन है वो यामा स्कूटर है, यामा फैसिनो, जो कि अब फैशन कॉन्शियस जो लड़के हैं लड़कियां उनके लिए जबरदस्त एक चीज है। और कल भी हमने अब ये जो यामा बाइक है इसको देखा था, क्या जबरदस्त ये दिखती है। Yes, of course. Yamaha Fascino is a perfect blend of fashion with functionality, and I'm dying to have a glimpse of it as well. और एक बहुत जबरदस्त मशीन है। फिलहाल 8 ओवर की समाप्ति 70 पे, लगातार हर ओवर में रन आते हुए दबाव डाल रहे हैं यहां पे कर्नाटक बुलडोजर्स की टीम। बैटिंग कार्ड पे नजर डालें, एक ही विकेट का पतन हुआ है, प्रदीप आउट हुए हैं, 12 बना के राहुल अब जबरदस्त फॉर्म में 38 पे खेलते हुए 25 गेंदों का सामना किया है। ध्रुव शर्मा नाबाद है 10 पे, और इसके बाद आप कप्तान का आना बाकी, राजीव का आना बाकी, तो मुश्किलें काफी नजर आ रही हैं यहाँ पे सिद्धार्थ चेन्नई राइनोज के लिए। जी हाँ, और कैप्टन आर्या बहुत गंभीर दिख रहे हैं, नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग फॉर हिम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जी हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक्स्ट्रास बहुत दे रहे हैं चेन्नई राइनोज, विच इज नॉट अ गुड साइन एट ऑल। बहुत सारे वाइड्स हुए थे, एक्स्ट्रा सीम्स टू बी द सेकंड हाईएस्ट स्कोरर राइट नाउ। जी हाँ बिल्कुल, और ये आपको कहने का रोकना है, क्योंकि ये जो अतिरिक्त रन है ये काफी महंगे साबित होते हैं लॉन्ग रन में। विष्णु विक्रांत ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस टीम के स्तंभ है, जो जान है इस टीम के, और जो 3 V's है हमेशा चेन्नई राइनोज के लिए बहुत बढ़िया इनका प्रदर्शन रहा है। विशाल, विष्णु, विक्रांत, विष्णु अभी गेंदबाजी करते हुए, और ये फील्ड सेटिंग अगर ऑन पे देखें, एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट पे या डीप स्क्वायर लेग पे, पर ऐसा लग रहा है सिद्धार्थ बहुत सूझबूझ से खेल रहे हैं, खासकर ध्रुव शर्मा ज्यादा जोखिम नहीं उठा रहे, सिंगल ले रहे हैं, गैप में खेल रहे हैं। और राहुल को भी देखे, ये लीजिए हमारे फैंस, वेयर डू यू फाइंड देम इन बेंगलुरु चिन्नास्वामी स्टेडियम। एंड यू नो व्हाट, ऐसी एनर्जी मैंने बहुत कम स्टेडियम्स में देखी है। दिस इज द पावर ऑफ CCL। देखिए, वी वर टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रास एंड देयर यू गो वंस अगेन। व्हाई डू यू थिंक इतने सारे एक्स्ट्रास हो रहे, आर दे ट्राइंग टू हार्ड, शुड दे स्टिक टू द बेसिक्स? नहीं, आपका कहना सही है सिद्धार्थ, कई बार हम ओवर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ज्यादा ट्राई करते हैं, प्रयास करते हैं, पर मुझे लगता है अपने बेसिक्स पे स्टिक करना बहुत अहम है। आपको ज्यादा यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ध्रुव थोड़ा आगे निकल आए थे, कप्तान आ रहा फील्ड करते हुए। यू नो, मैं कल रितेश देशमुख से बात कर रहा था, एंड ही सेज, यू नो व्हाट, आई थिंक 2-2-2 जो हम लोग ने बनाई थी, इट्स गोना बी द हाईएस्ट स्कोर इन द CCL, बट द वे द कर्नाटका बुलडोजर्स आर गोइंग, 250 इज लुकिंग क्वाइट अटेनेबल। जी हाँ बिल्कुल, और देखिए मुझे लगता है जो रिकॉर्ड बनते हैं वो टूटने के लिए बनते हैं, तो रिकॉर्ड कायम रहते नहीं, पर ये जो खेमा है कर्नाटका बुलडोजर्स का, पीछे आप देख रहे हैं सुदीप को काफी खुश नजर आता हुआ, और ये है सोशल मीडिया ट्विटर। बिल्कुल जी हाँ, आप लोग हैशटैग कर सकते हैं CCL, रिमेंबर #CCL, पुट योर पिक्चर्स अप, पुट योर कमेंट्स अबाउट द CCL ऑन फेसबुक, ट्विटर, एंड जी हाँ, सोशल मीडिया पर हर तरफ CCL छाया हुआ है। सुना कि आप भी ट्वीट्स कर रहे हैं आपके पिक्चर्स व्हिच यू टुक यस्टरडे विद सूरज पंचोली, कृति सैनन, बाकी सारी एक्ट्रेसेस के साथ। जी हाँ बिल्कुल, जो मेरी बहनें हैं जिनका मैंने फोटो खिंचाई, जरूर आप देखेंगे फेसबुक पे, और मुझे लगता है कि आप भी बहुत एक्टिव है। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा और एक्टिव हो रहा होगा फील्डर को, प्रयास पूरा किया था, पर थोड़ा सा फंबल की वजह से एक रन और होता हुआ, पर तारीफ करनी होगी फील्डिंग एफर्ट की। आह, लुक एट द बीट, लुक एट द ग्रूव, 77 for 1। पर ये बताऊं, ये बहुत एक बढ़िया एफर्ट था, क्योंकि जब बाउंस होती है गेंद आपके आगे, कई बार आंखें जमा के रखना इतना आसान है, और विक्रांत की मैं बात कर रहा था, बहुत जबरदस्त एक खिलाड़ी है, ऑलराउंडर है, हर फरमौला खिलाड़ी है इस टीम के।